एक्सेल में जब आपके पास कोई डेटा सेट होता है और आपको इंस्टेंटली आपको चार्ट क्रिएट करना होता है, तो दो शॉर्टकट होते हैं। पहला शॉर्टकट होता है Alt F1। Alt F1 आपके इसी जो वर्कशीट है इसी में आपका एक चार्ट क्रिएट करके देता है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, Alt F1। ये देखिए एक चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और चार्ट क्रिएट होने के साथ आप देखेंगे एक डिज़ाइन टैब भी ओपन हो चुका है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा आप चाहें, जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए आपके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप जो चाहे वो सेलेक्ट करके आप उसे बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए ऐड एलिमेंट चार्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। आपका जो डेटा लेबल्स है वो आप क्या करें आउटसाइड एंड कर देंगे, देखिए सबसे ऊपर चला गया। तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए सेम वर्कशीट में आपको Alt F1 यूज़ करना है। और सेम मान लीजिए मैं अपने डेटा सेट में कहीं भी अपना कर्सर रखता हूँ और सिंपली अगर मैं F11 करता हूँ, ओनली F11 प्रेस करना है, तो देखिए एक सेपरेट वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी और डिज़ाइन टैब उसका एक ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सिंपली आपको वही करना है, इसमें आप जो भी डिज़ाइन चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं और आपका जो डेटा लेबल से आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। अब देखिए ये वाइट है ना, तो इसको मैं देखिए यहाँ से मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ, देखिए ब्लैक हो गया ये। तो इसमें केवल F1 आप जो केवल F11 अगर आप प्रेस करेंगे तो एक सेपरेट आपका वर्कशीट ओपन हो जाएगा जिसमें कि चार्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, जबकि Alt F1 में सेम शीट में आपका चार्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी एक्सेल एंड बी किंग। Thank you.